अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हो यार? आई होप आप सब खैरियत से हो गए। तो बॉयज़, आपने ये प्लेन में नाम पढ़ा और हम लोग हॉट ड्रॉप लेते हैं अपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे एक भाई साहब नज़र आते हैं। सबसे पहले हम लोग इनको फिनिश करते हैं नॉक करके। अब यहाँ पे ऊपर दो बंदे होते हैं, मतलब दूसरी वाली बिल्डिंग के अंदर। अब यहाँ पे ये लोग कैम लगा के बैठे होते हैं, मतलब कमरे से नहीं निकल रहे होते। तो खैर, यहाँ पे अपने भाई के नेट चेक करना आप खाली। तो यहाँ पे एक बंदा नॉक हो जाता है। अब दूसरा बंदा देखो, वो भी कैंप लगा के बैठा हुआ था। तो मैं दूसरे पे भी नेट ट्राई करता हूँ। अब ये देखो, तो खैर यहाँ पे इस तरीके से ये लोग वाइव हो जाते हैं। अब ये तीन बंदे होते हैं, वो किल फील्ड वाला भी इन्हीं का बंदा होता है। तो खैर, वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो खैर, यहाँ पे अब हमारे टीममेट को एक बंदा नॉक फिनिश कर देता है। तो फिर हम उस पर अन्य बार पुश कर रहे होते हैं और ये बंदा कैंप लगा के बैठा होता है, मेरा टीममेट लूट कर रहा होता बेचारा। तो खैर, यहाँ पे आपका भाई इस पर पुश कर रहा है। आप देखो ऐसे कैसे भाई हमारे टीममेट को मारोगे और हम आपको जाने देंगे? ऐसे तो नहीं होता है ना। खैर, यहाँ पे अब देखो बॉट शॉट आता है आपको भाई, बॉट शॉट मारता है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आपका भाई यहाँ पे सबसे पहले पहला बॉट मारता है, अपनी केडी मेंटेन करता है माशाल्लाह से, तीन की केडी मेंटेन हो गई। तो खैर, अब यहाँ पे एक और बंदा आता है, यानी कि दो बंदे आते हैं यहाँ पे ना, दो बंदे आते हैं आपका भाई। यहाँ पे एक बंदे को नॉक फिनिश कर देता है प्रॉपर। और देखो, अब मैं यहाँ पे गैस इतनी बड़ी गलती करता हूँ कि मैं उसे नॉक करके फिनिश कर रहा होता हूँ, जबकि मुझे साउंड नहीं होता दूसरे का कि दूसरा भी आ गया गन की वजह से। लेकिन खैर, कोई नहीं, हम फिर यहाँ पूछ क्यों उतरते हैं। यहाँ पे हम एक बॉट शॉट मारते हैं, उसके बाद यहाँ से ये भाई साहब गाड़ी निकल रही होती है। अब देखो, तो खैर यहाँ पे आपका भाई जो है ना, एक गाड़ी से बंदा उतार के नॉक करके फिनिश कर देता है, दूसरे बंदे को डैमेज देता है, लेकिन ये अंदर भाग जाते हैं। लेकिन इनसे हमारी बड़ी देर फाइट होती है। अभी आप लोग देखना, ये लोग हम पे नेट सेट कराते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनको पुश करते हैं, फिर ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि फिर मैं अपने मुझे अपने टीममेट को रिवाइव करना और रिकॉल करना होता है। तो सबसे पहले मैं उसको रिकॉल करने जाता हूँ। अब देखो, ये इन्होंने नेट मारा, मैं यहाँ पर बिल्कुल 1 HP हो गया। मैंने कहा भाई, वो देखो दूसरा नेट मार रहा, मैं उसे यहाँ डैमेज देता हूँ। लेकिन खैर, फिर मैं यहाँ से कहता हूँ भाई अंदर ही चलूँ कि नेट वेट आ गया तो मैं तो चला जाऊँगा। तो खैर, मैं यहाँ पे हील शील करके सीधा अपने टीममेट को रिकॉल देने जाता हूँ, क्योंकि रिकॉल जा रहा होता है। तो मैं अपने टीममेट को रिकॉल देकर आता हूँ। ये दोनों वहीं जाते हैं और उनको ये बंदे पकड़ के नॉक फिनिश कर देते हैं। अब देखो, हमारी इन बंदों से फाइट होने लगी। अब आपको भाई इन पर सीधा अंधेवार पुश कर रहा है। अब नंबर 2 था हमारे साथ, वो भी उसके हाथों ही मर जाता। और खैर, यहाँ पर मैं देखो पुश करने लगा इन बंदों को। अब देखो, एक तो ना बॉयज़, मुझे इन लोगों पे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि ये मेरे टीममेट को सीधे सीधा नॉक करके फिनिश कर रहे होते। तो मैं इस बंदे को नॉक करके डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ। खैर, मैं उस बंदे को भी नॉक छोड़ के वहाँ से आ जाता हूँ। अब देखना, इनका आखिरी बंदा मेरे से यहाँ टकराता है, क्योंकि मैं जोन में आ रहा होता हूँ। अब मेरी यहाँ पर गाड़ी बंद हो जाती है, फ्यूल नहीं होता। तो खैर, यहाँ पर देखो इनका आखिरी बंदा टकराता है। तो खैर, यहाँ पे ये भी नॉक होता है। मैं फटाफट हील चील कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ पहले यार इसको मुक्के शुक्के कराऊँ, लेकिन खैर मैं मुक्के शुक्के नहीं कराता इसको। लेकिन मैं फटाफट हील करता हूँ, इसकी गाड़ी पकड़ता हूँ, सीधा जोन में जाता हूँ। तो भाई आपका भाई यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे 4 बंदे प्रॉपर आते हैं, मतलब 4 बंदे होते हैं। और ये देखो, जब गाड़ी आई, आपके भाई ने डैमेज दिया। अब आपके भाई का नीट चेक करो। आपका भाई सबसे पहले यहाँ बंदा एक नॉक कराता है। अब मैं समझ रहा हूँ गाइस कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है। अब मैंने उसको करा दिया नॉक, ठीक है। अब देखना, अब राइट से एक बंदा आ रहा होगा, मैं उसे डैमेज दूंगा। तो मैं इन पर पुश करूंगा कि यार चलो। अब यहाँ पे भी आपके भाई के साथ ऐसा प्रैंक होने लगा। अब गाइस ये बताना कि ये नीट परफेक्ट था मेरा, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, और बंदे भी यहीं थे। अब ये फटते क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आती यार। ये पबजी के ग्लिचेज नहीं समझ में आते मुझे। अब देखो, वो बंदे को मैंने डैमेज दी। अब मैं इन पर पुश करने लगा हूँ, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था गाड़ी लेके जाऊँ, लेकिन फिर मैं सोच रहा यार मैं पैदल ही चले जाऊँ। तो खैर, मैं यहाँ पे जा रहा होता हूँ। अब देखो, सामने ना एक बंदा नज़र आता है मुझे, यानी कि साउंड आता है। तो मैं उस बंदे को नॉक करता हूँ। अब मैं समझता हूँ 2 बंदे नॉक हो गए अब, लेकिन वो बंदा इतने में रिवाइव हो गया होता, और ये होता है अपग्रेड वाला। लेकिन यार खैर, कोई नहीं, नसीब बैड लक था आज। लेकिन गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार दिखाना। अभी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।